गाइस विनी ब्लॉग में आप सबको स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह बहुत ठंडी लग रहा है और मैं अभी बाहर निकली हूँ तो आप लोग को भी दिखा दूँ। देख सकते हो पूरा ठंडी का मौसम पहुँच गया है। जैसे लग रहा है अभी अक्टूबर है, अभी अक्टूबर से इतना ठंडी लग रहा है तो नवंबर दिसंबर तक तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगने वाला है। तो चलो अभी क्या करते हैं आप लोग को दिखाते हैं। टॉमी भी अपना ड्यूटी करता है रात भर, अभी सोएगा सुबह। सब घर झाड़ू हो रहा है, इधर मम्मी झाड़ू कर रही है। और मैं क्या करूंगी, अभी बेबी नहीं उठी है तो कुछ मैं भी कुछ कुछ काम कर लेती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे मामी सब्जी धो दी है, यहाँ पे देख सकते हो। इसको मैं काट लेती हूँ। आज पूरा कल से बेबी का तबीयत सही नहीं है तो अभी इसको मालिश नहीं हुआ है। थोड़ा सा धूप दिखा देते हैं फिर मालिश करेंगे। ना नानी थोड़ा सा थप्पू थप्पू कर देते हैं इसे, ऐसे तो हजम अच्छा होगा। फिर मालिश करेंगे। और यहाँ पे मैंने सब्जी काट लिया, देख सकते हो। को रख देते हैं और उधर रो रही है नोनी, जाके आते। तो है गाइस अभी अभी बहुत दिन से ऐसे पड़ा है, टाइम नहीं मिल रहा था। ये वाला कांदा आप लोग को दिखा दूं तो इसको अभी बनाऊंगी मैं। अभी थोड़ा बेबी सोई है तो टाइम है, तो इसलिए यहाँ पे आप लोग को दिखा दें। देख सकते हो तो ये देख सकते दो टाइप का है, इस कलर का एक तो अभी बनाएंगे। ये वाला एक बनाती हूँ, जितना खाने लायक उतना बनाएंगे, ज्यादा नहीं बनाएंगे, दो दिन बनाएंगे इसको। और इसमें से दो ये वाला को रहने देते हैं और एक दिन में बनेंगे, इतना बनाएंगे आज। तो इसको छीलना पड़ता है तो मैं इसको छीलूंगी। फिर चलो फिर छील लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाती हूँ।
कर दे हैं बोलनी न बोले नहीं है बोलनी है से डाल देते की ठंडा है इसे ठंडा लगी ना तो यहाँ पे मैंने पूरा छील लिया है देख सकते हो इतना निकला अभी इसको मैं काटूंगी साइज करके इतना ही बनाएंगे कल के लिए फिर और थोड़ा सा है उसको फिर परसों बनाएंगे चलो फिर अभी इसको काट लेते हैं तो हे गाइस मैंने पूरा काट लिया है देख सकते हो ऐसे कुछ इतना हुआ है तो अभी इसको दो तीन बार धोना पड़ेगा फिर मैं बनाऊंगी तो आप लोग को भी दिखाती हूँ देख सकते हो कितना सारा निकला है खाने में भी बहुत अच्छा लगता है जितना पतला पतला कटो उतना अच्छा लगता है चलो इसको मैं पहले धो लेती हूँ फिर क्या करना है आप लोग को दिखाती हूँ हे गाइस आज पूरा दिन भर टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला और आज पूरा अंधेरा हो चुका है इधर बेबी का तबीयत भी खराब है मैं तो ऐसे नहीं पकड़ सकती मामी पकड़ के से घूम रही है तो थोड़ा चुप है नहीं दिख रहा है माँ अंधेरे में बड़ा मुश्किल होता है संभालना इसका तबीयत खराब है इसलिए ऐसे रो रही थी बहुत मुश्किल से चुप हुई है